हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड। आज हम इस वीडियो में 16 मई 2020 के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम मूव करते हैं करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक पर। आज का हमारा पहला टॉपिक स्काईट्रेक्स अवार्ड 2020 से रिलेटेड है। स्काईट्रेक्स अवार्ड 2020 कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है उसको मिला है। ये जो स्काईट्रेक्स अवार्ड है ये उस एयरपोर्ट को मिलता है जो बेसिकली बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में होता है। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है और वह पिछले 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स से वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीत रहा है। इसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में स्थित है उसको बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का अवार्ड मिला है। इस टॉपिक से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनते हैं कि स्काईट्रेक्स अवार्ड 2020 कौन से एयरपोर्ट को मिला है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कॉम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने वर्ष 2020 में कौन सा अवार्ड जीता था। उसके अलावा जो चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का वो पिछले कितने बार से कंसेक्यूटिव वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीत रहा है, या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड वर्ष 2020 में कौन सी कंट्री को मिला है या कौन से एयरपोर्ट को मिला है। और साथ ही में जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसको बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का अवार्ड वर्ष 2020 में मिला है। इसके अलावा आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, या फिर कॉम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो कहाँ पर है, या फिर जो चांगी एयरपोर्ट है वो कौन सी कंट्री में है। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो रिलेटेड है वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से। रिसेंटली जो वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल ट्रॉफी 2020 है उसके विनर का नाम अनाउंस किया गया है। उसके जो विनर हैं वो है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, एंड उनको जो वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल ट्रॉफी है उसके अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार कमीशन हुए थे एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल ऑफ सदर्न नेवल कमांड जो है कोची में। इसके अलावा जो ये अवार्ड सेरेमनी जो हुई थी वह अवार्ड सेरेमनी हुई थी मरीन टाइम वॉरफेयर सेंटर, वो भी कोची केरला में स्थित है। टॉपिक से आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल ट्रॉफी वर्ष 2020 में किसको मिली है, तो उसका आंसर है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। ठीक है, एक चीज ध्यान देने की यह है कि बिकॉज ये लेफ्टिनेंट कमांडर इंडियन नेवी के हैं तो यदि आप इनका नाम एग्जाम में अगर लिखते हैं, अगर चॉइस क्वेश्चन में आता है ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को बताते हैं तो आपको इनका रैंक इनके नाम के आगे जरूर लगाना है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल ऑफ सदर्न नेवल कमांड है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर है वो कोची में है। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो अवार्ड सेरेमनी जो हुई थी वो मरीन टाइम वेलफेयर सेंटर कोची में हुई थी, या आपसे पूछ सकते हैं जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी वो कौन से स्टेट में हुई थी इंडिया में या कौन सी प्लेस पे हुई थी, तो वो जो प्लेस है वो कोची है और जो स्टेट है वो केरला है। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल ट्रॉफी जो है वह वर्ष 2013 से लगातार उस ऑफिसर को दी जाती है जो बेस्ट इन टेक्टिक्स होता है पूरे ईयर वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इसमें पूछ सकते हैं वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या फिर चीफ ऑफ नेवल कमांड कौन है, तो चीफ ऑफ नेवल कमांड ऑब्लिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ उस जगह के हैं, उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। अगला टॉपिक हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से रिलेटेड है। इंडिया को इस बार 74th पोजीशन मिली है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो पिछली इंडिया की जो पोजीशन थी वो 76 थी और इंडिया इस बार दो पोजीशन ऊपर आया है। बेसिकली उसकी पोजीशन इस बार 74th पोजीशन हुई है। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वाया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये कौन से पैरामीटर्स पर दिया जाता है? ये बेसिकली आप लोगों कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर दिया जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं वो ये हैं कि जो फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन है, तो वो है क्लॉस स्वाब। नेक्स्ट आपका ये है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इनका हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? इनका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में वर्ष 2020 में इंडिया कौन से रैंक पर आया है। अगला हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है इटली ने एक आई फील यू नाम का ब्रेसलेट बनाया है जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये ब्रेसलेट जो बनाया है वो जिनेवा बेस्ड इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है और इस ब्रेसलेट का नाम उन्होंने रखा है आई फील यू। ये ब्रेसलेट जो है जो कोरोना वायरस के जो केसेस हो रहे हैं उसके चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स को मेंटेन करने में लोगों की हेल्प करता है। ये ब्रेसलेट रेडियो सिग्नल्स पे काम करता है और ये रेडियो सिग्नल्स को तभी भेजता है जब कोई दूसरा ब्रेसलेट इस ब्रेसलेट के नजदीक में अप्रोच कर रहा है और जिस यूजर ने ये ब्रेसलेट को पहना है उस यूजर को ये बता देता है कि दूसरा यूजर उसके नजदीक पर है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बनते हैं वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इटली कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इटली है सर्जियो मैट्रेला ट्रेंडिंग। इटली की कैपिटल भी पूछी जा सकती है, इटली की कैपिटल है रोम। इटली की करेंसी कौन सी है? इटली की करेंसी है इटालियन लेरा। इसके अलावा जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके बनते हैं वो ये है कि जो आई फील यू ब्रेसलेट है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, तो वो इंस्टीट्यूट है जिनेवा बेस्ड इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अदरवाइज आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने जिस ब्रेसलेट का डेवलपमेंट किया है फॉर सोशल डिस्टेंसिंग उस ब्रेसलेट का नाम क्या है, तो उस ब्रेसलेट का नाम है आई फील यू। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो WTO चीफ रोबर्टो एजवाडो के बारे में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं वो है रोबर्टो एजवाडो। जो रोबर्टो एजवाडो हैं वो अपनी पोस्ट से अगस्त 31 को स्टेप डाउन करेंगे। बेसिकली वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं अगस्त 31, 2020 में। रोबर्टो एजवाडो जो है WTO के चीफ 2013 में नियुक्त हुए थे। इनकी उम्र जो है वो 62 साल के हैं और ये ब्राजीलियन है। ये जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो चीफ होता है वो हर 4 साल के बाद में चेंज होता है। तो जो रोबर्टो एजवाडो है वो पिछले दूसरा टेन्योर 4-4 साल का इस बार खत्म कर रहे हैं, बट इस बार वो अपना टेन्योर 1 साल पहले ही कि 3 साल का टेन्योर खत्म करने के बाद में अगस्त 31 तारीख को अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर स्टेट हैं, तो वो टोटल अभी उसके हैं 164 मेंबर स्टेट्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब फाउंड किया गया था, उसको किया गया था 1 जनवरी 1995 में। उसके अलावा जो मेन टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, वो जो इस अपॉइंटमेंट में थे वो कौन से ईयर से थे, तो वो 2013 से थे। उनका नाम है वो है रोबर्टो एजवाडो। और जब उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म किया जो कि अगस्त 31 को है, तब उन्होंने अपना लगातार कितने साल का कार्यकाल खत्म किया, तो हालांकि जो WTO में चीफ का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, तो इनको अगले साल अगस्त में रिजाइन होना था बट ये 1 साल पहले ही, तो ये टोटल अपने 7 साल का कार्यकाल खत्म करने के बाद में WTO के चीफ की पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं।
अगला हमारा जो डेली करंट अफेयर का टॉपिक है वो है फेमस हस्ती साई गुंडेश्वर के बारे में, जो रिसेंटली पास अवे हो चुके हैं। तो साई गुंडेवर बेसिकली किस फील्ड से रिलेटेड हैं? तो आपका पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि साई गुंडेवर किस फील्ड से रिलेटेड है। तो साई गुंडेवर जो रिसेंटली पास अवे हो चुके हैं वो एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड है। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें से जो उनकी पॉपुलर फिल्में हैं वो है आमिर खान के साथ काम किया है पीके मूवी में और रॉक ऑन मूवी में। अगला हमारा टॉपिक है जो 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग हेल्ड हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। सो रिसेंटली 32nd कॉमनवेल्थ जो गेम्स होने हैं उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जितने भी हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग को इंडिया से चेयर किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। जो इस मीटिंग की थीम थी वो थीम थी डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेट कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। सो बेसिकली आपसे इसमें सवाल ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कॉमनवेल्थ मिनिस्टर्स की मीट थी, ठीक है, 32nd जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। तो उसका आंसर है वो 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट थी। और उसमें दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि उसकी थीम क्या थी या फिर उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था। तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट जिसने किया था वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो आपसे या तो इनका नाम पूछ सकते हैं या डॉक्टर हर्षवर्धन कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है या कौन सा मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो आपसे ये सवाल इस टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा जो करंट अफेयर टुडे का टॉपिक है वह मातृ सृष्टि स्कीम से रिलेटेड है। मातृ सृष्टि स्कीम जो है वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है। इस स्कीम के अंडर जो 50 एकड़ बैरन लैंड है जो किसी भी यूज में नहीं आ रहा है, जो किसी भी एग्रीकल्चरल काम के अंदर नहीं आ रहा है, यह लैंड 50 एकड़ जमीन जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है उस जमीन का यूज करेगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू जनरेट इनकम वाया हॉर्टिकल्चर एंड पेसिकल्चर। इसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो तकरीबन 2.5 लाख जो गांव और उस डिस्ट्रिक्ट के गरीब लोग हैं उनको मिलेगा। ये जो 50,000 एकड़ जो बैरन लैंड है ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में बीरभूम, पुरुलिया, बंकुरा, झारखंड, वेस्ट बुडवान एंड वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में एलोकेट की गई है। माइक्रो लेवल लेवल पे इस स्कीम के अंडर ऑलरेडी 6,500 एकड़ ऑफ लैंड में ये हॉर्टिकल्चर और पेसिकल्चर एस्टैब्लिश करने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इससे रिलेटेड जो आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कौन है। तो उनका नाम है श्रीमती ममता बनर्जी। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गवर्नर कौन है वेस्ट बंगाल के, वो है श्री जगदीप धनखड़। जो मेन इस टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है या उस स्कीम का नाम क्या है जिसके अंडर वो 50 एकड़ बैरन लैंड को यूटिलाइज करेगी इन 6 डिस्ट्रिक्ट। तो स्कीम का नाम है मातृ स्मृति। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें सोर्स ऑफ इनकम जनरेट जनरेशन क्या होगा। तो वो इनकम सोर्स जो होगा वो आपका बेसिकली इसमें हॉर्टिकल्चर एंड पिसिकल्चर के थ्रू होगा। और कितने लाख लोगों को या कितने लोगों को इस स्कीम का फायदा पहुंचेगा, तो करंटली जो एस्टिमेट किया गया है वो किया गया है कि इस स्कीम से 2.5 लाख लोगों को जो रूरल बैकग्राउंड के हैं बंगाल के उनको फायदा पहुंचेगा। अगला हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो टाई अप बिटवीन फेडरल बैंक एंड मनीग्राम के बीच में है फॉर डायरेक्ट डिपॉजिट टू बैंक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब हम आप सबको पता होगा ऑलरेडी जो मनीग्राम है वो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल पेमेंट डिपॉजिट सर्विस है। जो NRI अकाउंट्स वगैरह हैं वो दूसरे देश में अगर पैसा भेजना चाहें तो वो अपने मनीग्राम का यूज कर सकते हैं। अब कोविड-19 सिचुएशन है जिसमें NRIs और जो दूसरे देश में रेसिडेंट्स हैं उनको अपनी कंट्री में पैसे भेजने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके तहत फेडरल बैंक और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने आपस में टाई अप किया है जिसके अंतर्गत जो NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में अपना पैसा भेज सकते हैं। तो ये जो है कोविड पैंडेमिक जो सिचुएशन है कोविड-19 की उसके अंतर्गत ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा जो
मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि फेडरल बैंक के चेयरपर्सन कौन है। उनका नाम है ग्रेस एलिजाबेथ कोशी। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है अलुवा केरला में। मनीग्राम के चेयरमैन और सीईओ कौन है, उनका नाम है एलेक्स होम्स। और मनीग्राम को कब फाउंडेड किया गया था, ये किया गया था 1988 में। तो आपसे इसके अलावा जो मेन टॉपिक पे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि फेडरल बैंक या फिर मनीग्राम ने कौन सी दूसरी एजेंसी के साथ टाइप किया था फॉर डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट सर्विस ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि फेडरल बैंक ने किसके साथ टाइप किया था, तो आंसर होगा मनीग्राम। और यदि पूछा जाता है मनीग्राम ने किसके साथ, इंडियन एजेंसी के साथ टाइप किया था, तो वो है फेडरल बैंक। अगला हमारा जो डेली करंट अफेयर का टॉपिक है वो वर्ल्ड बैंक ने जो $1 बिलियन की सहायता अगेंस्ट सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के तहत इंडिया को जो देने का फैसला किया है उसके लिए है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि वो एज पार्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन पैकेज वो इंडिया को $1 बिलियन की सहायता देगा। पर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि यह जो सहायता है वो दो किस्तों में देगा। पहली किस्त जो है वो $750 मिलियन की देगा वर्ष 2020 में, और दूसरी जो इसकी किस्त आएगी वो आएगी $250 मिलियन की, जो आएगी वर्ष 2021 में। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है, तो उनका नाम है डेविड मालपास। और हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कहाँ है, ये है वॉशिंगटन डीसी में। और मेन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी एजेंसी है जिसने $1 बिलियन की सहायता इंडिया को दी है फॉर सोशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन, तो उसका आंसर होगा आपका वर्ल्ड बैंक। और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने कितने $1 बिलियन की या कितने डॉलर की सहायता एज ए पार्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन पैकेज इंडिया को देने का अप्रूवल किया है, तो उसका आंसर होगा आपका $1 बिलियन का पैकेज। अगला हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है जो राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो राइस का एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए एक राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है REPF। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया हुआ है, और इसका जो मेन जो मुद्दा है वो है कि इंडिया में बाहर के देशों में राइस के एक्सपोर्ट को बढ़ाना। इसका जो सेटअप हुआ है वो अंडर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो APDA अथॉरिटी है, उसके अंडर हुआ है टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ राइस। अगला हमारा जो डेली करंट अफेयर का टॉपिक है वो सेकंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीट जो रिसेंटली हुई थी। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीट जो हुई थी वो अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया के अंडर में हुई थी। द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई सऊदी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, जिनका नाम है माजिद अल कसाबी। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये G20 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सेकेंड मीटिंग हुई थी इसको चेयर किसने किया था और कहाँ किया था, तो ये किया था माजिद अल कसाबी ने, और ये अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया में वर्चुअल मीटिंग के थ्रू हुई थी। इसको जो इंडिया को इस मीटिंग में रिप्रेजेंट किया था वर्चुअल मीटिंग के थ्रू, वो किया था यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। इससे इम्पॉर्टेंट जो टेक अवे हैं वो एग्जाम्स के लिए ये हैं कि जो G20 ग्रुप है उसका बेसिक काम क्या है। तो G20 ग्रुप का जो काम है वो ये है कि जो ये एक प्रीमियर फोरम है फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, जिसमें जो सारी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो आपस में साथ में मिलकर के काम करेंगी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। इस G20 ग्रुप के अंडर आते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि G20 के अंडर टोटल कितने देश हैं। तो बेसिकली G20 नाम है तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर जो है वो 20 देश हैं, और 20 देशों के नाम हम आपको बता चुके हैं। अगला हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो रिलेटेड है
6800 टेस्टिंग मशीन फॉर COVID-19। सो कोबास 6800 जो COVID-19 की टेस्टिंग मशीन है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशन को डेडिकेट की है। तो ये जो COVID-19 मशीन है, ये नेशन को दी गई है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ये मशीन इंस्टॉल की गई है नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल इन दिल्ली। तो नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल कहाँ है, ये है बेसिकली दिल्ली में। तो इस मशीन की जो मेन खूबी है, ये पहली बात तो ये मशीन जो है ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, और ये 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1200 सैंपल्स जो कोरोना वायरस के हैं या COVID-19 के हैं, ये 1200 सैंपल्स को टेस्ट कर सकती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल कब फाउंड हुआ था, तो ये हुआ था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और दिल्ली में ही इस मशीन को एस्टैब्लिश किया गया है। और तीसरा इससे आता है कि इस नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर का नाम क्या है, तो इसके डायरेक्टर का नाम है सुजीत कुमार। रक्षा मंत्री ने रिसेंटली जो कमीशन किया है वो एक ICGS सैचेट और दो इंटरसेप्टर बोट्स की है। ICGS का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने रिसेंटली एक ICGS शिप सैचेट और दो इंटरसेप्टर बोट्स, दो इंटरसेप्टर बोट्स हैं, उनके नाम हैं C450 एंड C451, जो कि गोवा में है, इनको कमीशन किया गया है। जो ICGS सैचेट है वो अपने टाइप का 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। बेसिकली जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स होते हैं वो उसकी कैटेगरी में आता है, और इसको जो डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसके अलावा जो दो इंटरसेप्टर बोट्स हैं C50 और C451 आर ऑल्सो इंडिजियसली डिज़ाइन एंड बिल्ट बाई लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड हजीरा। इन बोट्स की खासियत ये है कि ये 30 मीटर लंबी बोट्स हैं, और इनकी जो अचीविंग स्पीड है वो 45 नॉट्स है। जो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी दो बोट हैं इनकी लंबाई कितनी है और इनकी अचीवेबल स्पीड कितनी है, तो अचीवेबल स्पीड जो इनकी है वो 45 नॉट्स हैं। दूसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट सवाल वो ये है कि आपकी जो इंटरसेप्टर बोट्स हैं ये कौन सी कंपनी ने बनाई है, तो ये जो कंपनी है उसका नाम है लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड हजीरा। और दूसरा जो आपकी ICGS जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सैचेट है वो आपका किसने बनाया है, तो वो आपका बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और तीसरा इससे इम्पॉर्टेंट ये आ सकता है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है जिन्होंने इसको कमीशन किया है, वो है श्री राजनाथ सिंह। धन्यवाद दोस्तों, होप कि आपको हमारी ये वीडियो करंट अफेयर्स की पसंद आई होगी और ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों का कोई पॉइंट या सजेशन है या कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। धन्यवाद।